शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, ध्यान कहां रहता है तेरा? अगर चाय मेरे ऊपर गिर जाती तो अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा और दूसरी चाय लेकर आ। शांति, ये टेबल साफ कर दे। जी। सब हो गया? हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। मेम साहब, मेरा काम हो गया, मैं जा रही है। ठीक है, जाओ। जी। जी। वो काजल मैडम ने कुछ सामान मंगवाया। अच्छा, मेम साहब, आपका कुछ सामान आया है। अच्छा। तुम जाओ। जी। हाँ सनी, राजेश ने पैसे दिए या नहीं? क्या ब्याज नहीं देगा? कदम बाप भी देगा। एक काम कर, उसे फार्म हाउस पे लेकर आ, मैं आता हूं। क्या बातें हो रही हैं? वो सामान मंगाया था, उसका हिसाब कर रही थी। हिसाब कर रही थी या नैल लड़ा रही थी? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, चल निकल। और तू, कितनी बार तुझे समझाया, किसी बाहर वाले को अपने मुंह मत लगाया कर, लेकिन तेरी अकल में तो बात आती नहीं ना। जब तक दिन में दो चार थप्पड़ नहीं खा लेती, जो समझ में नहीं आता है। चल अंदर जा, दरवाजा अंदर से बंद कर ले। जब पैसे की जरूरत होती है तो तुम सारे कुत्ते की तरह आगे पीछे दुम हिलाते घूमते हो, और जब लौटाने की बारी आती है तो नाने मारती है तुम्हारी। क्या बोल रहा था, ब्याज नहीं देगा, सिर्फ असल देगा? अब बोल, देगा ब्याज या और चमड़ी उधेड़ू तेरी? लगा अपनी बेबी को फोन और बोल उसे पैसे देने के लिए। सनी, इसके घर जा और उसकी बीवी से पैसे लेकर आ। अभी जाता हूं।
तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। क्या सच में डर गई थी? अच्छा बाबा सॉरी। सुबह इतने जल्दी आने की क्या जरूरत थी? तुषार घर पर ही था, अगर उसे भनक लग जाती ना तो मार ही डालता। क्या करूं, अब एक महीने बाद गांव से लौटा हूं और मैं देखे बिना रहा नहीं जा रहा था, तो बस चला आया। और मुझे लगा तुषार तो अब तक चला गया होगा। खैर छोड़ो ये सब, अब एक महीने बाद मिले हो तो सिर्फ बातें ही करोगे। अच्छा मुझे लगा मैं अकेले ही तड़प रहा था। चलो आज इतने दिन तड़पाया तुमने मुझे, पूरा बदला लूंगी। शांति, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम अंदर के रूम की सफाई भी कर दो, कल सफाई नहीं की थी। जी मैम। ठीक। प्यार ही तो कर रहा हूँ। साहब छोड़िए, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आप जैसे समझ रहे हैं मैं वैसी औरत नहीं हूँ साहब। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी औरतों को। अरे पैसा चाहिए मैं देता हूँ ना तुझे पैसा। मैम साहब। अरे मैम साहब का क्या करेंगे? मैम साहब। आप छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए उसे। तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी? हाँ तू ना अपनी औकात मत भूल, समझी? अगर आज के बाद मेरे काम में टांग अड़ाई ना तो चांस मार दूंगा तुझे। कमार औरत। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छेड़ने की? तू क्या समझता है अपने आप को? हम गरीब हैं, तू कुछ भी करेगा हमारे साथ? भले मैं तेरी जान ले लूंगा। ये जान से मारेगा तू? हाँ साले नाली के कीड़े, दोबारा इधर दिखाना तो लाश भी नहीं मिलेगी तेरे किसी को। चल भाग यहां से। चल मैं तेरे को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। Thank you.
जी पापा, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ वो भी ठीक है, आपकी तबीयत। पापा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बाय। क्या बात है, ऐसे अचानक बुलाया? सब ठीक तो है ना? अपने पति के साथ रह रही, सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? है, अब मुझे उसके बारे में बात करके अपना और मूड नहीं खराब करना, समझे? समझ गया। सनी बोल, क्या हुआ? लाला ने पैसे दिए या नहीं? हाँ अच्छा चल ठीक है, अभी जितने पैसे दे रहा है उतने ले ले, लेकिन उसे बोल देना अगले महीने पूरा पैसा चाहिए। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप। क्या हो रहा है, क्या बातें कर रही तू इससे? ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो मैं देख रहा हूं, और तू यहां डिलीवरी देने आता है या औरतों से बातें करने आता है? डोरे डाल रहा है मेरी बीवी पर। साले ऐसा हाल करूंगा ना तेरा, इस शहर में नजर नहीं आएगा, समझा? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए उसे। हद कर दे आप, आखिर चाहते क्या हो आप? मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं, खुद सामान लेकर नहीं आते। अगर मैं ऑनलाइन डिलीवरी मंगाती हूँ तो बेवजह शक करते हो। करूं तो करूं क्या मैं? बहुत ज़बान चल रही है तेरी ये बाहर वाले के सामने, और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है बे? हाँ जब तेरे भी चमड़ी उधड़ू। चल भाग यहां से। चल, और दोबारा दिखना मत, नहीं तो चार से मार दूंगा। नाश्ता बनाने में इतना टाइम लगता है? 10 बज रहे हैं। जी वो मेड नहीं है इसलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। ओ, अच्छा, मतलब जिनके घर में मेड नहीं होती उनके घर में तो काम ही नहीं होता होगा, है ना? तो पूरे दिन करती क्या है?
हाँ? काम नहीं करोगी तो फिर क्या करोगी? काम चोर कहेंगे। मक्खन कहाँ है इसमें? अब बिना मक्खन के खाऊं क्या? वो मक्खन खत्म हो गए थे, घर का बाकी सामान भी खत्म हो रहा है। तो ऑर्डर नहीं कर सकती थी? कैसे करूं ऑर्डर? डिलीवरी आती है तो आप गुस्सा करते हैं। गुस्सा मैं डिलीवरी आने से नहीं करता, गुस्सा मैं इसलिए करता हूं कि तूने अपने मुंह लगाती है। अरे सामान ले, पैसा दो, दफा कर, उनसे बात करने की क्या जरूरत है? अभी ऑर्डर कर। जी फोन फोन दीजिए प्लीज। ये लीजिए। हो गया? जी हो गया, एक घंटे में सामान आ जाएगा। घंटे में सामान आ जाएगा? हाँ सनी यार, आज मैं आ नहीं रहा हूं यार, तू देख ले अपने हिसाब से। और हाँ, वो रफीक पैसे देने वाला है, आज जाके ले लेना उससे। हाँ ठीक है। अरे आप, इतनी जल्दी घर आ गए, गए नहीं क्या? हाँ वो आज नहीं गया। तुम ये सामान अंदर लेकर जाओ। ठीक है, बंद इनका पेमेंट कर दीजिए। बताइए कितना हुआ? जी 3,000। 3,000 ये लो। सर मेरे पास छुट्टा नहीं है आपको वापस देने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, टिप समझ के रख लो। नहीं सर। अरे रख लो रख लो। वैसे एक बात पूछूं, मैंने डिलीवरी बॉयज तो बहुत देखे हैं, लेकिन आज पहली बार किसी डिलीवरी गर्ल को देख रहा हूँ। क्या सर, आजकल लड़कियां किसी भी काम में लड़कों से पीछे हैं क्या? और ये तो सिर्फ डिलीवरी का काम है। एक्चुअली सर
मैं ना ये काम पार्ट टाइम करती हूँ। मैं MBA की स्टूडेंट हूँ और उसी की पढ़ाई कर रही हूँ, और जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं ये काम कर लेती हूँ। वाओ, वेरी गुड। यू नो, लाइफ में तुम जैसे लोग ही तरक्की करते हैं। मेरा नाम तुषार है और मैं फाइनेंसर हूँ, लोगों को ब्याज पर पैसे देता हूँ। तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो ना तो बेझिझक बोलना, और हाँ, मैं तुमसे ब्याज भी नहीं लूंगा। अब ये मेरा कार्ड, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो बस एक कॉल कर देना। थैंक यू सर। अब वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। सर, मेरा नाम ऋचा है, अब मैं चलती हूँ। अरे, अपना नंबर तो देती जाओ, मतलब मुझे कभी किसी चीज की जरूरत होगी तो डायरेक्ट तुम्हें ही कॉल कर लूंगा। ठीक है सर, लिखिए। सेवन नाइन जीरो। ओके सर। ओके। पार्ट टाइम करती हूँ। मैं MBA की स्टूडेंट हूँ और उसी की पढ़ाई कर रही हूँ, और जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं ये काम कर लेती हूँ। अरे काजल, वो हमने कुछ दिनों से कुछ सामान ऑर्डर नहीं किया। भूल गए आप? अभी एक दिन पहले ही तो ऑर्डर किया था। वो लड़की आई थी ना डिलीवरी करने के लिए, आप ही ने तो पेमेंट की थी। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हेलो, मैं तुषार बोल रहा हूँ, फाइनेंसर। जी कहिए। तुम हमारे यहाँ सामान लेकर आई थी। हाँ हाँ सर, याद आया, कहिए ना। मैं ये कह रहा था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका मॉल है और उसे एक पार्ट टाइम मैनेजर की जरूरत है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हें उससे मिलवा दूँ, और इस बहाने हम शॉपिंग भी कर लेंगे। ठीक है सर, आप बताइए कहाँ आना है। अरे तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ ना, तुम बताओ कहाँ रहती हो। ठीक है सर, आप ना मुझे गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मिलिए। ओके डन, आधे घंटे में मिलता हूँ। ये मेरा छोटा सा फार्म हाउस है। वाओ, वेरी नाइस। सिट। बताओ क्या पियोगी? आई मीन विस्की या वोडका? अब आप इतने प्यार से ऑफर कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? वेट, मैं बना कर लाता हूँ। मैं बनाती हूँ। Wow, 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 wow
Thank you. Cheers. वैसे एक बात पूछूं? हुँ? आप मुझे आपके दोस्त से मिलवाने के बहाने मॉल लेके गए, वहां ढेर सारी शॉपिंग कराई और फिर मूवी दिखाई और फिर यहाँ इस फार्म हाउस पे लेकर आ गए। आपके इरादे ना मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे। इरादे तो नेक हैं, बस समझने का फर्क है। मतलब साफ है ऋचा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। जिस दिन से तुम्हें देखा है तब से। तो आप मुझे अकेले यहां मेरा फायदा उठाने के लिए लाए? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा एक डील करते हैं, आज से तुम्हारे सारे खर्च मैं उठाऊंगा और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस तुम मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो। और इसमें आपका क्या फायदा? कम ऑन ऋचा, बच्चे नहीं हो तुम। बदले में मेरे साथ एंजॉय करो, जब भी तुम फ्री रहो। तुम भी खुश हो और मैं भी खुश, तो बोलो डील मंजूर है तो ठीक, अदरवाइज वापस चलते हैं। अब आपकी डील इतनी अच्छी है तो मैं मना कैसे कर सकती? कौन है तू? ऋचा कहाँ है? खोल मुझे। देख तू जो भी है ये तो ठीक नहीं कर रहा है। सोच ले इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। खोल दे मुझे। क्या चाहिए तुझे? तूने मुझसे ब्याज पर पैसे लिए हैं क्या? देख तुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, जाने दे मुझे, छोड़ दे मुझे। क्या कर रहे तू? राजेश है क्या? अभी कुछ दिनों पहले मैंने तुझे मारा था, तू उसी का बदला ले रहा है ना? देख तू मुझसे और पैसे ले ले राजेश, लेकिन मुझे जाने दे, छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। Yeah.
चाकू, ए तू क्या करना चाह रहा? छोड़ दो मुझे। हेलो हेलो पुलिस, आपके पति हैं जी? क्या हुआ, कहाँ है वो? आई एम सॉरी, उनकी हत्या हो गई है और उनकी लाश उनके फार्म हाउस में मिली है। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन कातिल को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए हमें कुछ जानकारी चाहिए। क्या आपको किसी पर शक है? पैसे ब्याज पे देते थे, इसके अलावा मुझे उनके काम के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक आदमी है सनी, शायद उसे कुछ पता हो। सनी का स्टेटमेंट हम लोगों ने ले लिया है। इसके अलावा आपके पति की और किसी से कोई दुश्मनी? मेम साहब! अरे मेम साहब का क्या करोगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छोड़ने की? तू क्या समझता है अपने आपको? हम गरीब हैं, तू कुछ भी करेगा हमारे साथ? अरे मैं तेरी जान ले लूंगा। हमारे यहाँ पे एक मेड काम करती थी, मेरे पति ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, तो उसका पति आया था, धमकी देकर गया था कि वो उन्हें जान से मार डालेगा। यस, थैंक यू। अभी अभी पता चला है कि फार्म हाउस में उनके साथ एक लड़की थी, क्या बता सकती है वो कौन थी? मैं किसी लड़की को नहीं जानती हूँ। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं, अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको बताते हैं। इस नौकरानी के पति राजू को उठाओ। जी सर। और हाँ, सनी ने जिस आदमी का नाम लिया था ना, उसे भी अरेस्ट करो। जी सर। और उस लड़की की तलाश करो जो तुषार के साथ फार्म हाउस में थी। ओके सर। और चाहो तो साइबर टीम की हेल्प ले सकते हो उसे ढूंढने में। ठीक है सर। ओके। यस इंस्पेक्टर। बहुत शौक है ना तुम्हें घूमने का, चलो अब थाने लेके चलो इन्हें। पर क्यों, मैंने किया क्या? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हम लोग एक अनजान डिलीवरी बॉय के साथ इतनी नजदीकियां बढ़ाना
सही नहीं है। क्या पता वो डिलीवरी बॉय हो या ना हो। क्यों करण, सही कहा ना मैंने? सर क्या बोल रहे हैं आप? रिचा पकड़ी जा चुकी है, उसने सब कबूल कर लिया है। अब तुम यहाँ पे बोलना शुरू करोगे या पुलिस थाने? बोल, तुषार को क्यों मारा? हाँ सर, तुषार को मैंने ही मारा। मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। ये सब तो काजल से मिलने का तरीका था, जिससे मुझ पर कोई शक ना करे। पर मारा क्यों? सर ये काजल चाहती थी। सर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। काजल विल यू मैरी मी? विल यू मैरी मी काजल? क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? ये रिंग अच्छी नहीं लगी क्या तुम्हें? बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कर, पर मैंने आज ही पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया करण। नहीं चलो अपन दोनों भाग चलते हैं। नहीं करण, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पापा अपनी जान दे देंगे, मर जाएंगे वो, और मैं ऐसा उनके साथ नहीं होने दे सकती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे बुला दो। आज से नहीं बल्कि कॉलेज के टाइम से, पर मेरे पापा ने मेरी शादी उस तुषार के साथ कर दी। वो अमीर था ना, इसलिए बस शादी के बाद तो पापा ने मुझे बुला ही दिया। एक बार भी मुझे देखने नहीं आया कि मैं खुश हूं या नहीं। और वो तुषार, तुषार मुझे अपनी बीवी नहीं बल्कि अपनी नौकरानी समझता था, जानवरों जैसा सुलूक करता था मेरे साथ। मारते रहता था, गालियां देता था, हम बात थी उसके लिए। मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर कुछ बर्दाश्त कर लिया, पर फिर शादी के 6 महीने बाद करण मुझसे मिलने आए। किसी को शक ना हो इसलिए उसने डिलीवरी बॉय का नाटक किया। करण तुम? तुम्हारा पति तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, वो तो अभी घर पे नहीं है। काजल मैं बता नहीं सकता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, पर भूल नहीं पा रहा हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता काजल। और इसके बाद हम दोनों अक्सर मिलने लगे, सब कुछ सही चल रहा था। मैं घर से जाने ही वाला था, तुषार घर पर आ गया और मेरे ही सामने काजल को थप्पड़ मारने लगा। ये सब सहन नहीं कर पाया सर मैं। वो तुम्हारे साथ जानवर से भी बदतर सलूक करता है और तुम चुपचाप सहती रहती हो, कैसे झेल लेती हो? बुरा तो मुझे भी लगता है, पर क्या करूं? तू छोड़ क्यों नहीं देती हो उसे? मैं तो कहता हूं तलाक दे दो, उसके बाद फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे, ना किसी की फिक्र होगी और ना ही किसी का डर। नहीं करण, मैं उसे तलाक नहीं दे सकती।
मेरे पापा ने मेरी शादी उससे इसलिए की है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है और मैं उस पैसे को ऐसे नहीं जाने दे सकती। अगर मैंने उसे तलाक दे दिया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि तुम जिंदगी भर घुट घुट कर मरती रहोगी? नहीं, मैं इंतजार करूंगी उसके मरने का, ताकि उसकी पूरी जायदाद की मालकिन मैं बनूं। ठीक है, ऐसा ही होगा। अगर उसके मरने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उसको मार देते हैं, क्या कहती हो तुम? मैं चाहती हूं कि वो तड़प तड़प के मरे, चीखे चिल्लाए, जितना टॉर्चर उसने मुझे किया है मैं उतना टॉर्चर उसे करना चाहती हूं। ऐसे ही होगा। मेरे पास एक प्लान है जिससे वो मर भी जाएगा और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। बस थोड़े पैसे खर्च होंगे। करण, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, पर वो बहुत चालाक है, वो आसानी से नहीं फंसेगा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उससे डिलीवरी बॉय से प्रॉब्लम है ना, तो अब से घर पे डिलीवरी गर्ल आएगी। और फिर मैंने रिचा को अपने प्लान में शामिल कर लिया। वो कोई स्टूडेंट नहीं है, वो एक कॉल गर्ल है। उसको मैंने 5 लाख का लालच दिया और वो मान गई। रिचा ने उसको अपने जाल में फंसा ही लिया था। और एक दिन रिचा और तुषार फार्म हाउस गए। रिचा ने उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी जिससे वो बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद रिचा ने मुझे वहां कॉल कर बुला लिया। हेलो, हाँ जाओ, काम हो गया है। और फिर जब वो होश में आया तो मैंने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और जब मैंने उसे टॉर्चर करना शुरू किया तो मैंने काजल को वीडियो कॉल पर सब दिखाया कि मैं उसे कैसे टॉर्चर कर रहा हूं, कैसे मार रहा हूं। और उसे मारने के बाद मैं वहां से चला गया। प्लान तो अच्छा था, लेकिन आज तक कोई मुजरिम कानून के जुर्म से बच नहीं पाया। तो तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि बच जाओगे? तुम तक पहुंचाया रिचा ने, और रिचा तक उसके सोशल मीडिया अकाउंट ने। क्योंकि आजकल लोग खाना तो भूल सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस अपलोड करना नहीं। और वही गलती रिचा ने कर डाली। और बाकी का काम किया हमारी साइबर की टीम ने, उसे ट्रेस कर लिया। लेके चलो दोनों को थाने। सर। जी सर। सर। बाकी की डिलीवरी इनकी जेल में ही होगी। सर।